बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.1, लेक्चर नंबर 72, क्लास 9 का। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, क्या कह रहे हैं कि आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब लाइंस कुछ गिवन है, कुछ पार्ट्स गिवन होंगे इस क्वेश्चन में, और पूछा क्या है कि क्या वो पैरेलल हैं एक्स एक्सिस के या क्या वो पैरेलल हैं वाई एक्सिस के, और ये कैसे पता चलेगा। जो गिवन होगी इक्वेशन या जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी या जो भी इक्वेशन बनेगी एट द एंड, उसको देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वो पैरेलल एक्स एक्सिस के बन रही है या नहीं बन रही है, वाई के बन रही है या नहीं बन रही। और ये पता कैसे चलेगा, ग्राफ करके। इसमें तो हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ज़्यादा बना चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस की वजह से हमें आइडिया हो गया है कि किस तरह की वैल्यू हो या इक्वेशन हो तो उसका क्या ग्राफ बनता है और वो किसके पैरेलल बनता है, एक्स एक्सिस की पैरेलल कौन सी बनती है और वाई की कौन सी बनती है। तो वो मैं क्वेश्चन करूँगी तभी आपको क्लियर होगा, अभी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है 2x-1 = 3, तो इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x = 3 + 1 जो कि आ गया 4, 2x = 4 हो गया है। सो x = 4/2, और ये वैल्यू आ गई है 2, मतलब x आ गया = 2। अच्छा, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे भी क्वेश्चंस किए थे जिनमें x के इक्वल कोई वैल्यू गिवन थी, x = 2 या x = 2 या x = 3 गिवन था, या y = 2 या y = -2 या -3, इस तरह से कुछ गिवन था, और उनको कहा गया था ग्राफ करना है। तो जब हम इन्हें ग्राफ करते थे तो वो या तो पैरेलल आता था एक्स एक्सिस के या फिर पैरेलल आता था वाई एक्सिस के। तो यहाँ पे भी यही बात है, x = 2 हमारे पास वैल्यू आई है, तो ये हमारे पास पैरेलल बनती है वाई एक्सिस के। कैसे? क्योंकि ये एक्स की वैल्यू 2 है, और जब हम इसे ग्राफ करेंगे सो ये पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के। सो एक्स की वैल्यू है 2 और ये पैरेलल लाइन है वाई एक्सिस के, तो हम इसको लिख भी लेते हैं, x = 2, इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का बहुत ईजी था, बहुत ही ईजी था। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में भी अगर x की इक्वल कोई वैल्यू आई तो y एक्सिस के पैरेलल ही होगी, ठीक है ना। तो जी करते हैं सॉल्यूशन पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, x + 2 = -1, ये आ गया। तो x = -1 - 2, x = -3, सो इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये कैसे वाई एक्सिस की पैरेलल है, मैंने आपको बताया ना कि x = -3 आ गया, तो एक्स के इक्वल कोई भी वैल्यू आंसर आएगा तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल ही होगा। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रही बात, तो आप ग्राफ कर लें, ग्राफ बना लें। और ग्राफ किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको लास्ट लेक्चर नंबर 71 में बता चुकी हूँ, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स किए, उसमें सारा ग्राफ बनाना सिखा दिया। और लेक्चर नंबर 70 में भी हमने ग्राफ्स बनाया, तो आप दोनों लेक्चर 70 और लेक्चर 71 उनमें आप ग्राफ बनाना सीख सकते हैं, तो आप वहाँ से देख लें, आपको समझ आ जाएगी। थर्ड पार्ट करते हैं, 2y + 3 = 2, इसका सॉल्यूशन करें अगर, सो 2y = -3 हो गया, ये -1 2y = 2, और फिर y implies that y = -1/2 आ गया। तो ये जो y की वैल्यू आई है ये पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, ठीक है, क्योंकि y की कोई भी वैल्यू आए तो वो एक्सिस के पैरेलल ही होगी। x की वैल्यू आए तो y एक्सिस के पैरेलल, और y की वैल्यू आए तो
एक्स एक्सिस के पैरेलल, और आपको हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएँ, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, ठीक है? वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपसे. सो इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया इसका. अब इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, तो उसका सोल्यूशन कर लेते हैं जी. तो फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है जी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा और इसका क्या ग्राफ बनेगा और ये किसके पैरेलल बनेगा, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो गिवन है, तो हम अगर इस तरह से करें कि एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई करें, तो एक्स की वैल्यू माइनस वाई आती है. लेकिन अगर हम ऐसे करें कि वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स करें, मतलब एक्स को सेट लीजिए, तो वाई की वैल्यू माइनस एक्स आती है, तो क्या होगा? ना तो ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ना ये पैरेलल है वाई एक्सिस के. तो हम यही रीज़न भी लिख लेते हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं गिवन. ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर या तो हमें वाई बताया हुआ ना कि वाई हमारे पास टू है, तो हम यहाँ पे टू लिख दे, इस तरह से हो जाए क्वेश्चन, उस तरह का काम भी नहीं बताया हुआ. तो ये थोड़ा इसे कॉन्सेप्ट और इस टाइप की चीज़ थोड़ी सा अपर लेवल पर चली जाती हैं, तो इसको कहेंगे कि इट इज़ नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर टू वाई एक्सिस, ठीक है? तो ना तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ना ये वाई एक्सिस के पैरेलल. तो ये पार्ट फोर का सोल्यूशन कर लिया है. अब हम कर लेते हैं सोल्यूशन फिफ्थ पार्ट का जी. तो फिफ्थ पार्ट को अगर सॉल्व करें, फिफ्थ पार्ट है क्या? टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो. टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो. स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने माइंड में रख लेनी है, कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें थोड़ा सा इस टाइप की गड़बड़ हो, थोड़ा डबल डबल काम हो रहा हो उसमें, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर्स पेपर में अक्सर दे देते थे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज करने के लिए. सोल्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत ही आसान सोल्यूशन होता है अगर आप प्रैक्टिस करें. अगर आप उसको मुश्किल समझ के ना छोड़ें, तो आप अगर उसको कर लें तो वो तो बहुत आसानी है, आपके एग्जाम में आप नंबर ले सकते हैं. लेकिन बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन की शक्ल देखकर इसे छोड़ ही देते हैं कि नहीं जी ये बहुत मुश्किल है, इसे चॉइस पर छोड़ देते हैं. तो बस वही जो चॉइस पर छोड़ा होता है वो आपके पेपर में आ जाता है, क्योंकि वो अपनी मुश्किल शक्ल की वजह से इंपॉर्टेंट होता है, तो वो तो टीचर्स देते हैं, मोस्टली एग्जाम्स में आ जाता है. तो ऐसे मत किया करें, क्वेश्चंस को चॉइस पे मत छोड़ा करें, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि इनके सॉल्यूशन में ऐसी कोई भी खास बात नहीं होती जो आप ना कर सकें. अगर एक बार आप उसको समझ लें, जैसे मैंने आपको बता दिया रीज़न कि ये आंसर क्यों है और किस तरह से है, तो आपको भी आपके लिए मसला ना हो. तो क्वेश्चन को समझ लिया करें छोड़ने के बजाय, और जो क्वेश्चंस मुश्किल लगे उनको तो लाजमी तौर पर सॉल्व किया करें, ठीक है ना? तो जी क्वेश्चन इस फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन करते हैं. टू एक्स माइनस टू वाई है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि टू एक्स इक्वल टू टू वाई कर लिया. अब टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके टू डिवाइड हो गया अगर, तो टू टू कैंसिल. अब एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया, दोबारा से उसी किस्म की सिचुएशन बन रही है. और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो देखिए एक्स भी वाई के इक्वल आ रहा है या वाई भी एक्स इक्वल आ रहा. तो अब हम क्या कहें, किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है? तो इसमें भी वही सेम रीज़न है जो रीज़न फोर्थ पार्ट में दिया है. इट इज़ नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर टू वाई एक्सिस. सो यहाँ पे भी यही रीज़न लिख लेते हैं. इट इज़ नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस जी. तो ये फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन भी हमने कर लिया है. तो क्वेश्चन नंबर थ्री के फाइव पार्ट्स थे, उन सबका सोल्यूशन कर लिया है. अब क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करते हैं, और इसके पार्ट्स को वन बाय वन करके सॉल्व करना शुरू करते हैं जी. तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर फोर, और इसके पार्ट्स अब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में इसके कितने पार्ट्स भी देख लेते हैं. ए बी सी डी ई एफ, एफ तक इसके पार्ट्स हैं, टोटल सिक्स पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर फोर के. और ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, अगर आप तो पंजाब बोर्ड के हैं, पिंडी बोर्ड के हैं, तो उसमें तो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं. फेडरल में भी आते हैं, लेकिन पिंडी में तो अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ लाइंस में होते हैं वो आपके शॉर्ट में आते हैं, तो उसके लिहाज से आपने इनको करना है. आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी आए, पूछ सकते हैं एम की वैल्यू बता दें, इक्वेशन की वन हो वो कह सकते हैं, सी की वैल्यू बता दें. तो आपको अगर ये चीज़ पता है, मेथड पता है, तो आप एम और सी दोनों की वैल्यूज निकाल लेंगे. और किस तरह से निकालनी है ये मैं भी आपको बताती हूँ. क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू
फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. एम और सी की वैल्यू, एम की और सी की वैल्यू को फाइंड करना है इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके, ठीक है, बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. मतलब ये इक्वेशन गिवन है, इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे y की इक्वल. सो सॉल्यूशन करते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. y वाली टर्म यही रहने देंगे, बाकी दूसरी तरफ ले जाएंगे. सो माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, 2x इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो 2x, अच्छा माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया ना, और 2x इधर आके माइनस 2x हो गया, ठीक है. अब y को अकेला कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके 3 सबके साथ डिवाइड हो गया, 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 हो गया. अब इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें, 3 को अलग अलग दोनों नंबर्स के साथ ले लें, तो ये 1 बाई 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 बन गया. और y इज इक्वल्स टू x वाली टर्म मैं पहले लिख देती हूँ, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में x वाली टर्म पहले है और कॉन्स्टेंट टर्म बाद में है जो बगैर किसी वेरिएबल के है. तो मैंने माइनस 2x बाई 3 को पहले लिख दिया ऐसे, और प्लस 1 बाई 3 को यहाँ लिख दिया, ठीक है. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो ये बनी है माइनस 2 बाई 3 एक्स के साथ, ये एम की वैल्यू बन रही है ना. अब हमारे पास जो वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 3 एक्स प्लस 1 बाई 3 इक्वेशन बनी है, ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग बन गई है. वाई वाई माइनस 2 बाई 3 एक्स एम एक्स प्लस 1 बाई 3 सी, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म सी हो गई और ये पूरी की पूरी टर्म एम हो गई, क्योंकि ये एक्स के साथ है, इसलिए एक्स के साथ वाला जो नंबर होगा उसका कोफिशिएंट मींस वो एम की वैल्यू होगी, और जो कांस्टेंट नंबर होगा जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, जो कि अकेला कोई भी नंबर होगा, फ्रैक्शन होगी, वो कांस्टेंट होगा. तो एम और सी की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं. एम की वैल्यू आई है माइनस 2 बाई 3 और सी की वैल्यू आई है 1 बाई 3. तो m और c दोनों की वैल्यूज़ को लिख देते हैं. अगर मैं यहीं पर लिख दूं आगे, ताकि मैं वो साइड पर दूसरा क्वेश्चन कर लूँगी, तो m की वैल्यू बनी है माइनस 2 बाई 3, c की वैल्यू है 1 बाई 3. तो ये हमने m और c की वैल्यू निकालना सीख लिया है किसी भी लीनियर इक्वेशन में से, ठीक है. तो ये तो फर्स्ट पार्ट कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 का. अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट क्या है जी? तो बी पार्ट है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2 बी पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं. अच्छा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2, y को हमने रखना है, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2 को तो पहले उतार लिया. इसके बाद ये कर लेते हैं कि माइनस 2y है, माइनस 2 अपनी जगह पे है, लेकिन x इस साइड पे आ गया, तो x भी इधर के माइनस हो गया. अब माइनस 2y हर तरफ माइनस माइनस हो रहा है, मैं इधर से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो ये प्लस हो गया अंदर, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस और माइनस माइनस यहाँ भी प्लस, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया. ये जो कॉमन लिया ये कैंसिल हो गया, सॉरी साइड की माइनस से. सो 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, मैंने अरेंज करके लिख दिया. अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा सबके साथ ऐसे, और ये y इज इक्वल्स टू 1 बाई 2x प्लस 2 टू कैंसिल 1 बन गया. और देखिए ना, y इज इक्वल्स टू 1 बाई 2x प्लस 1 इस फॉर्म में आ गया. अब m की वैल्यू क्या बन रही है? ये m एन x वाला, और जो कॉन्स्टेंट है वो c है. तो m की वैल्यू बनती है जी 1 बाई 2, और c की वैल्यू बनती है 1, और ये है आंसर क्वेश्चन नंबर फोर के बी पार्ट का. तो ये जी हमने बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया है. बाकी के पार्ट्स तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो सकते, अगर कोई मसला होता है आपको आंसर ठीक नहीं आता, तो मैं सॉल्व कर देती हूँ, आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा जी. तो सी पार्ट है, सी पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, वही काम करेंगे जो लास्ट टू पार्ट्स में किया. y इज इक्वल्स टू 1 इधर आके प्लस हो गया, माइनस 3 इधर इस साइड पे आके माइनस हो गया, मतलब इधर प्लस था ना, इस साइड पे आके माइनस 3x हो गया. अरेंज करके लिख लेते हैं माइनस 3x प्लस 1 ऐसे. और अब देखिए x के साथ वाली टर्म क्या है? m है, ये है m और ये है c, ऐसा ही है. सो m की वैल्यू तो आ गई है जी माइनस 3, और c की वैल्यू आ गई है 1, और ये हमने अपने
सी पार्ट का सॉल्यूशन भी कर लिया है, अब हम करते हैं डी पार्ट। तो अगर आप पहले सवाल समझ में आ गए हैं तो यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करें और बाकी के जो पार्ट्स मैं करवा रही हूँ ये आप खुद से करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज ना हो। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से खुद से सॉल्व कर लें, ठीक है, और गलती ना हो आपसे। डी पार्ट है 2x - y = 7। तो -y = 7, 2x इधर आके -2x हो गया। अब -y = -2x + 7 मैंने अरेंज करके लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। अब ये जो माइनस ये मैं इसको इस तरफ ले आती हूँ, तो y = -, अभी साइड पे आया तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, माइनस माइनस और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया ये चीज़। और ये मेरे पास m की वैल्यू आ गई और ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई। सिंपल तो हम लिख लेते हैं कि m = 2 and c = 7 एंड दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है जी, डी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया, तो डी पार्ट का सोल्यूशन भी हो गया। m की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -7 आई है। अच्छा, मैंने माइनस नहीं लिखा यहाँ पे। अगर ऐसी कोई गलती हो जाए तो आप देख लिया अगर ध्यान से कि पीछे से क्या चलता आ रहा है, क्योंकि कभी कभी बिल्कुल ध्यान में नहीं रहता और पीछे से सारा काम ठीक कर रहा हूँ मैं, एंड पे वैल्यू गलत लिख देती हूँ। तो आप या तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें या फिर अपना आप ये गलती ना किया करें, ठीक है ना जी। तो डी पार्ट भी कर लिया, अब हम इसका ई और एफ पार्ट करते हैं। तो ई पार्ट है, ई पार्ट 3 - 2x + y = 0। 3 - 2x + y = 0। तो y = 3, 2x उस साइड पर जाके प्लस हो गया, 3 माइनस हो गया इधर आके। अब ये तो सिंपल इक्वेशन सॉल्व भी हो गई है, m की वैल्यू निकल आई, c की वैल्यू भी निकल आई। देखे ना, x के साथ वाले टर्म m है और कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो c है, तो माइनस c हो गया और ये m की वैल्यू आ गई है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना पड़ा, इतना आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि हमने y को ही पर रहने दिया, बाकी ये जो दोनों टर्म्स थे उनको उठा के दूसरी तरफ ले इधर, ठीक है ना। तो ये हमने e पार्ट भी कर लिया, m2 और c - 3 आया है। अब जी करना है f पार्ट, तो f पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान है, तो आप कह रहे होंगे जी बिल्कुल मैथ्स को ऐसा ही होना चाहिए, इजी इजी क्वेश्चन होने चाहिए सारे। अच्छा, 2x = y + 3। तो क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में आपको इक्वेशंस दे सकते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने माइंड में ये बात रखनी है बस कि y को आपने लेफ्ट साइड पर रखना है, जैसे कि इधर y = mx + c में है, और बाकी की जो टर्म्स हैं वो सारे के सारे राइट साइड पे ले आनी है और उनको सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर y का कोई टर्म है तो वो दूसरी तरफ जाकर, ऑब्वियसली बात है, अगर y से मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाहिर सी बात है जाके डिवाइड हो जाएगी, अगर y से मल्टीप्लाई हो रही है, या अगर y से डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऑपोजिट ऑपरेशन होता है। 2x = y + 3। अच्छा, y इधर है तो y को हम उधर ले जाएंगे या फिर y की चीज़ों को उधर ले जाएंगे और अरेंज कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, 2x है = अच्छा पहले उतार लेते हैं, 2x है, फिर मैं 3 इधर ले आती हूँ तो -3x = y हो गया। अब देखिए ना, इक्वेशन तो हमारे पास बन गई लेकिन y इधर है और ये बाकी टर्म इधर है, तो मैं अरेंज कर देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, ये लें लिख दिया इसको इस फॉर्म में, तो ये आ गई ना y = mx + c की फॉर्म में। अब आप बताएं कि इसमें से m कौन सा है और c कौन सा है, जल्दी जल्दी अगर आप देख रहे तो कमेंट सेक्शन में अपने मुझे बताना है। m है 2 और c है -3। तो जी ये वैल्यूज़ आ गई हैं, एम और सी की, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का एफ पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। एम की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -3 आ गई है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 के जितने पार्ट्स हैं सारे समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं और इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होंगे, ठीक है जी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 और हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा हुआ है कि वेरीफाई whether the following point lies on the line 2x - y + 1 = 0 or not। इसके भी कुछ पार्ट्स गिवन है और ये जो इक्वेशन गिवन है हमने ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं क्या ये इस लाइन जो लाइन गिवन है इस पर लाए करते हैं या नहीं।
तो इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं और हम देखते हैं कि ये लाइक करता है या नहीं, और किस तरह से ये हम जानेंगे ये मैं भी आपको बताती हूँ जी। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। लाइन ये गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और जो पॉइंट गिवन है इस पॉइंट की जो वैल्यूज है इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ठीक है। जैसे कि x की जगह पे 2 है, ठीक है ना। जो फर्स्ट टर्म होती है ये x होती है, जो सेकंड टर्म होती है ये y होती है, ये आपको बता चुकी हूँ। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट टर्म को अभिसा और सेकंड टर्म को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 x की जगह पुट किया 2, माइनस y की जगह पुट किया 3, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 2 टू 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और 1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप खुद बताएं कि क्या 2 इक्वल्स टू 0 है? नहीं है ना, तो हमने कह दिया 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो 2 0 के इक्वल नहीं है, यही रीज़न है कि जो पॉइंट है वो लाए नहीं कर रहा लाइन पर, ठीक है। पॉइंट लाइन पर लाए नहीं कर रहा, और ये हमें कैसे पता चलेगा? जो पॉइंट गिवन होगा उसको हम गिवन इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, या अगर तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो वो लाए करता होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल ना आया तो वो लाए नहीं करेगा। जैसे कि देखिए ना, 2 इक्वल नहीं है 0 का, अगर 0 आंसर आता तो ये लाइन पर लाए करता, लेकिन 0 नहीं आया, 2 आया है, और 2 और 0 तो इक्वल हो ही नहीं सकते, तो ये पॉइंट लाइन नहीं कर रहा लाइन पर। और रीज़न भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर द पॉइंट डज नॉट लाइन, द पॉइंट डज नॉट लाई, द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। ठीक है, और ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट का सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि क्या वो लाइन पर लाई करता है, वो लाइन लाई करती है, वो पॉइंट लाइन पर लाई करता है या नहीं। तो पार्ट 2 0 0, अब इस 0 0 को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x भी 0 y भी 0, सो 2 इंटू 0 माइनस वाई भी 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और 1 इज इक्वल्स टू 0 नहीं, 1 0 इक्वल नहीं है, सो पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। तो जी सेकेंड पार्ट भी कर लिया है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट माइनस 1 और 1, तो x क्या है माइनस 1 और y है 1, तो पुट करते हैं इसमें। सो 2 इंटू एक्स की जगह माइनस 1 पुट किया, माइनस y की जगह पे पुट कर दिया 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2 वन जै माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 कट गए, और ये भी माइनस 2 भी इक्वल नहीं है 0 के, सो इसका भी आंसर ये है कि पॉइंट डज नॉट लाए ऑन द लाइन। ठीक है, थर्ड पार्ट जो था उसका पॉइंट भी लाइन पर लाए नहीं कर रहा, तो ये भी हमने कह दिया कि द पॉइंट डज नॉट लाए ऑन द लाइन। फोर्थ पार्ट करते हैं, और उसका आंसर देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 2.5, चेक करते हैं कि क्या ये लाई करता है या नहीं। तो इक्वेशन में पुट करेंगे 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो 2 इंटू 2 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2 टू 4 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और 4 प्लस 1 5, और अगला वाला भी माइनस 5, और ये 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया है। तो जी स्टूडेंट्स, क्या है ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, सो ये पॉइंट जो है वो लाए कर रहा है लाइन पर। सो हमने लिख दिया द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, सिर्फ एक फोर्थ पार्ट ही अभी तक था जो लाई किया है लाइन के ऊपर पॉइंट के, तो अब चेक कर लेते हैं, बाकी तो लाए नहीं कर रहे थे। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, फिफ्थ पार्ट, इसे भी चेक कर लेते हैं। बस इतना सा काम करना है इन क्वेश्चंस में।
5.3, ठीक है। इसकी वैल्यूज भी एक्स 5 है, 3 वाई है, ठीक है ना। अच्छा, इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 एक्स की जगह 5 माइनस वाई की जगह पे 3 पुट किया, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। टू 5 सा 10 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 10 माइनस 3 7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एंड ये आ गया 8 इज इक्वल्स टू 0। सो 8 तो 0 के इक्वल होता ही नहीं है, सो 8 नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। तो इसका भी आंसर यही है कि द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, के जो पॉइंट है ये लाई नहीं कर रहा लाइन पर। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आंसर नहीं है, यही हमारे पास हिंट है। इसी से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं कि पॉइंट लाई कर रहा है लाइन पर या नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन को, बेसिकली ये रीज़न है। तो हमने एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चन 3, 4, 5 हैं, इनके सारे के सारे पार्ट्स इस लेक्चर में कर लिए हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा और इजी लगा होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन चाहिए तो वो लेक्चर 70 और 71 में कंप्लीट दिया हुआ है, आप वो वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलो सबके साथ शेयर कर लें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अब मैं आऊँगी न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।